तो हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और हमें इसमें इस मिसिंग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और हमें पता है कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इसी की हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिस्टम है ये, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ये। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी सेवन को इधर ले आएंगे, तो थ्री एक्स माइनस के वाई माइनस सेवन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंपेयर करते हैं, ए वन आ जाएगा थ्री, बी वन आ जाएगा माइनस के और सी वन आ जाएगा माइनस सेवन। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपेयर करते हैं, ए टू हो जाएगा सिक्स, बी टू हो जाएगा टेन और सी टू हो जाएगा माइनस थ्री। अब इन वैल्यूज ये वाले रेशियोज निकालते हैं, तो ए वन बाई ए टू आ जाएगा थ्री बाई सिक्स यानी वन बाई टू, ये हो जाएगा बी वन बाई बी टू और ये हो जाएगा सी वन बाई सी टू सेवन बाई थ्री। अब पुट करते हैं, तो हमारा था ये, इनने वैल्यूज पुट करी। अब हमें के फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो हम ये इक्वालिटी का सिस्टम लेंगे, यानी वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस के बाई टेन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आ जाएगा माइनस टू के इक्वल, के आ जाएगा टेन बाई माइनस टू यानी माइनस फाइव के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।